वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नजर जो बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, प्यार पनपेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुजा जी। आचार्य जी कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं तो आपकी इजाजत हो तो हमें कॉलर से बात करें। बिल्कुल स्वागत है। हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम अवधूत खवरे। अवधूत, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोल्हापुर से। जी अवधूत जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18 फरवरी 1987। 1987। हाँ ठीक है। टाइम बताइए। मंगलवार के सुबह 3:15। कहाँ जन्म हुआ? कोल्हापुर में। क्या जानना चाहते, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा जब इतने साल से ना, मैं जहाँ हूँ वहीं पे हूँ, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई प्रगति नहीं हो रही मेरी। वो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दो बड़ी बातें समझने की कोशिश करिएगा। एक तो आपका चतुर्थ भाव का स्वामी और 10th हाउस का मालिक, दोनों ही खराब होने की वजह से आपका अपना पेरेंटल जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता। हाँ, पेरेंटल नहीं है। दुनिया में जीवित देवता है माँ बाप, इनकी सेवा कीजिए, इनकी का आशीर्वाद नित्य लेने की कोशिश कीजिए, नकारात्मक चिंतन त्याग दीजिए, चंद्रमा और सूर्य ठीक होगा, आपका आगे का फ्यूचर स्ट्रांग होगा। अपनी कलाई में एक अष्ट धातु का कड़ा पहने, नवरत्न से बना हुआ कोई लॉकेट या कोई अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। दूसरा एक काम ये करें, एक अमृत कवच हमारे यहाँ से मंगा के गले में धारण कर लीजिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपको शुभता मिलेगी। और सौंफ ज्यादा से ज्यादा खाइए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नजारे बदल जाएंगे, प्यार पनपेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे।